आप सबको यही में जी सर लेख है हमारे लेंगे जी जी और सुना जी और ऐसे अपने बारे में का बताई कौन चीज जो पूछोगे वो बताइए। आप जो भी बताना चाहें बाबा जी बचपन से अब तक का बचपन जी अरे यहाँ बालापन है जल से उत्पत्ति वाला गर्भ नहीं दे देता तो आप महाराज महाराज करवाओ जो कहा करवाना योगी का बचपन होता ही नहीं है जी है पागल दिया ग्रंथ दिया वही में लिखा है पढ़ नहीं लिखी जी पहले मिला था आपको जल से उत्पत्ति मुझे कोई पहचानो पढ़िए महाराज बता रहे हैं उसको पढ़ने के लिए। अच्छा अच्छा आप पढ़िए समय कम है अगर सूरज डूब जाएगा तो कोई छुट्टी नहीं हो पाएगी। सरकार कहते हैं कि सूर्यास्त हो जाने के बाद फिर हम उस मशीन में हम फोटो नहीं आएगा आवाज नहीं आएगा तो ले ले फोटो तो अभी उपदेश हो जाए सरकार तो पढ़ लेंगे बाद हम पढ़ लेंगे बाद में पढ़ ले रहे। अच्छा तो सुना सुना तो क्या बता आपके एक तो अब पिछली बार अवस्था की बात हुई थी तो आपने बताया था ईश्वरलीन ईश्वरलीन है तो वह ईश्वरलीन अवस्था है बच्चा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो प्रेसिडेंट थे भारत के उन्होंने ये कहा था जब वो 70 वर्ष के थे तो उन्होंने कहा था कि जब वो बच्चे थे तब उन्होंने आपको उसी अवस्था में देखा था जिस अवस्था में क्या सुन ये सब कथाएं तो बहुत सी लंबी है अब यही अपने मुंह से अपने वर्णन करे सब लिखल हुए। अच्छा सुन तो यानी अवस्था कोई हमारे यहाँ पूछे तो बताए दे ईश्वरलीन। हाँ ईश्वरलीन अगर हाँ। एक लोग बहुत उत्सुक हैं जानने के लिए कि आप वस्त्र नहीं पहनते इसका क्या कारण है। सुना अरे भाई ये ना बिनशाला है कायदा है और मामला ये है कि योग में उद्यान खींचते हैं उद्यान बंद तो उद्यान बंद होने रह क्या है तो जरा इससे आसान है जी को प्रश्न खास तो है नहीं वस्त्र वस्त्र का अवस्था पूछा तो ईश्वरलीन बताया और वस्त्र में देश में बंद बिनशाला है। हाँ तो इतनी ठंड होती है इतनी गर्मी होती है तो उसमें आप कपड़े नहीं पहनते तो कैसे आप सहन करते हैं। मामूली की यही का पूछा था ये कोई प्रश्न है ये तो बेकार का बात है। हाँ ये हमें कोई विशेषता नहीं अवस्था जो पूछा तो बता दिया ईश्वरलीन अवस्था और एक सृष्टि मयम बीज मेका मुद्रा से खेचरी एक देव निरालंबो एक अवस्था मनो में खेचरी मुद्रा होता है वही कपाल कुहर में ले जाया जाता है उससे अवस्था बच जाती है। खेचरी मुद्रा दर्शन कराए थे जी कि नहीं पिछली बार वह जी भजन चल जाए जी कपाल कुहर जी देखे है जी तब वह समझ कर हाँ वो खेचरी मुद्रा है सिद्ध खेचरी का महिमा है। आपके बारे में प्रसिद्ध है कि आप पतंजलि योग के ज्ञानी हैं बहुत बड़े ज्ञानी अष्टांग योग सिद्ध। हाँ यह लाइन है तो बता दिए सब पतंजलि योग तो है ये है अष्टांग योग सिद्ध। हाँ लहर आप कहते हैं कि बहुत मामूली बात है कि वस्त्र बिना पहने सहन करना गर्मी सर्दी लेकिन सबके लिए मामूली बात नहीं है और कोई दुनिया में ऐसा नहीं है। लाइन है योग है अरे है ये सुन रात चलावे सूर्य दिन चलावे छंद अश्व योगी भरपूर है लहर अमर पथ सोए रात के समय में सूर्य स्वर चलावे और दिन में चंद्र स्वर चलावे दिन में चंद्र स्वर ठंडा रहेगा और रात में सूर्य स्वर चलावे दहिने पुट के नाशिका के सूर्य स्वर कहते हैं तो उससे शरीर में गर्म रहता है। ये हमको बताया नहीं देगा सूर्य चंद्र चलावे का सुनी के का करी कुछ सीखी ले तो अच्छा है तो कोई कोई भी चाहे तो सीख सकता है क्या। अरे बताने देता शर्मा चले लगी नाई जैसे आपके डाइना नाशिका है इसको सूर्य नाड़ी कहते हैं ये जो है इंडा पिंगला सुषुम्ना तीन नाड़ी होते हैं तो इंडा और पिंगला
सूर्य और चंद्र होते हैं, बाएं भाग का जो ये है इसको चंद्र नाड़ी कहते हैं और दाहिने को सूर्य नाड़ी कहते हैं। तो दिन में हई दबाई दे दे ऐसे तो बाया चले लागी, ऐसे दबाई दे दे जैसे दिन में बाया नाड़ी चलावे जिसको चंद्र नाड़ी कहते हैं तो उससे शीतलता रहता है, और रात्र को सूर्य नाड़ी चलावे तो उससे शरीर में गर्मी बना रहता है, जिससे कि जो भी लोग चलावे सूर्य को जिन चलावे चंद्र असो योगी भरपूर है लहे हमारे पास हो ये जो भी लोग इसको अपने बस में कर लेते हैं उससे जो है अपना के दर्शन विधिवत किए रहे विधिया से विधिवत कर पाए जितना समझ आया उतना कर पाए। नहीं नहीं जिद्धा पलट के कपा जी जी वो तो दिखा। अच्छा अच्छा अब जब ये जो है सिद्ध हो जाएगा नाड़ियाँ तो जी हाँ तो बर्फ पे बैठ जाए तो बर्फ में अंदर धंस जाए, बर्फ पिघल जाए, वो ऐसी शक्ति आ जाती है शरीर के अंदर। प्राणायाम है, कुंभक है, रेचक है, ये सब प्राणायाम है। प्राणायाम कुंभक करने से जो है अभी ठंडी के दिन में कुंभक किया जाए तो पसीने शरीर से पसीने छल छला जाते हैं। ऐसे करके साधन द्वारा ठंडी गर्मी को बस में किया जाता है। यही बात अभी चीज बढ़िया बढ़िया है। अच्छा आपकी अवस्था ईश्वरलीन है, इसका कारण कैसे ये संभव हुआ? बस सुना अष्टांग योग यानी ईश्वर में योगी अयोगी में ईश्वर, अब बस वह ईश्वर लीन है बस ऐसा नहीं। तो क्या क्रियाएं की आपने कि ये संभव हुआ? अरे क्रिया तो बताया गया महामुद्रा महाबंध महादेघ खेचरी उद्यान मूल बंधस्य बंधो जालंधराभिधा करणी विपरीताख्या वज्रवली शक्ति चालनम इदम ही मुद्रा दस्कन जरा मरण नाशनम यह क्रिया। ये सब क्रियाएं हैं, 10 क्रियाएं। अच्छा बाबा जी आप तो भोजन क्या ग्रहण करते हैं? सुना पुष्टम सुमधुरम स्निग्धम गव्यम धात प्रपोषणम मनोभिलस्तम जोगम योगी भोजन माचरे खेचरी बाबा का काम। जैसे आपका खेचरी मुद्रा है कि बाबा का भोजन बाबा की बता देते हैं। खेचरी मुद्रा है जिह्वा को कपाल कुंवर में यहाँ ले जाया जाता है, उससे वहाँ से अमृत पान होता है, नार जैसा अमृत स्रव होता है जो बहुत मीठा और बहुत मधुर होता है, और उसको पान करके योगी वर्षों वर्षों सालों सालों तक जो है ध्यान में अपने समाधि में स्थित रहते हैं, और वो स्राव लगातार चलता रहता है जिससे कि जठराग्नि को शांत करता रहता है और योगी उस अवस्था में अपने स्वस्थ रूप से बना रहता है। ये संभव है कि हमारे दर्शक उसका दर्शन कर सकें उस मुद्रा का? बिल्कुल आप तो दर्शन किए हुए हैं खेचरी मुद्रा जैसे जीवा को पलट कर दिखाया गया है आपको, लेकिन दर्शक अगर इसको उसका दर्शन कर सकें? महाराज जी बताते हैं कि ये योग जो है ये अत्यंत गोपनीय होते हैं। हाँ कुछ थोड़ा प्रकट उपदेश कर दिया बाकी गुप्त रखे। जैसे महाराज जी ने आपको उपदेश कर दिया जनता के लिए उपदेश ही काफी है इसको, इसको जैसे प्रदर्शन कराने प्रदर्शन करने से उसमें कमजोरी आता है, प्रदर्शन करने से तमाशा हो जाएगी। अच्छा भाषा नहीं ये कायदा। एक बात जानने के लिए बाबा जी सब इच्छुक हैं, उत्सुक हैं कि आप आशीर्वाद देते हैं तो चरणों से देते हैं हाथ से नहीं,